आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, एक क्वेश्चन ने ये पूछा है कि देसी गाय में भी क्या टिक लगती है। तो देसी गाय में साहिवाल में तो बहुत कम टिक लगती है, और लगती है अगर आप उनको विलायती गाय के तक रखेंगे तो उनमें भी लगना शुरू हो जाए। तो थलेरिया बवेसिया भी कम होता है, पर जब वो टिक नहीं लगेगी तो थलेरिया बवेसिया कम होगी। एक बात और बता दूं, जैसे घोड़ा अपनी खाल को हिला लेता है, इसी तरह से देसी गाय जो है अपनी खाल को हिला लेती है, ऐसा पसीना भी आता है। जब वो अपने खाल को हिला लेती है तो वहाँ पे टिक जैसे चिपकने को होती है, वो नीचे गिर जाती है। तो देसी गाय में लगती है टिक, पर कम लगती है, पर होल्स्टीन में और इसमें जर्सी में तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। भैंस के बच्चों में भी काफ़ी लगती है टिक। तो ये अच्छा प्रश्न है, किसी ने पूछा है, देसी गायों को अगर आप विलायती गायों से अलग रखें तो उसमें टिक की इतनी समस्या नहीं है जितनी के विलायती गायों में। धन्यवाद, आपने सुना, मैं थैया हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 8979749786।